हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, बात करेंगे 11 दिसंबर 2019 के बारे में, जो करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले एक टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द PDF एंड नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो आई मेक। देखिए महत्वपूर्ण दिवस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंगीकरण और उद्घोषणा के सम्मान में हर वर्ष ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कौन सा दिवस का कौन सा विषय रहा है, कौन सा सब्जेक्ट रहा है। तो इस वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस का विषय क्या रहा है, यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानव अधिकारों के लिए खड़े युवा है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। पेरिस के अंतर्गत पलाइड डी चाइलेट में वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा वो 10 दिसंबर को ही की गई थी, 10 दिसंबर 1948 को। तो यह 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दुनिया का प्रमुख खेल पर्यटन स्थल कौन सा है। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा अबू धाबी। अबू धाबी होने के पीछे कारण यह है कि अबू धाबी में काफ़ी ये पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, और अबू धाबी में अगर किसी खेल का ऑर्गेनाइज किया जाता है वहाँ पर, तो काफ़ी सीधी सी बात है कि वहाँ पर जो टूरिज्म सेक्टर है उसको भी काफ़ी बढ़ावा मिलता है। तो अबू धाबी के अंतर्गत जो मस्कत है वहाँ पर आयोजित की गई थी वर्ल्ड ट्रेवल अवार्ड, यानी कि WTA, इसका जो 26वां संस्करण है वो दुनिया के प्रमुख खेल पर्यटन स्थल के रूप में इस अबू धाबी को चुना गया है। और ये लगातार 7वीं बार है जब अबू धाबी को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। अबू धाबी को विश्व की कुछ प्रमुख खेल प्रतियोगिता जिसमें फीफा क्लब विश्व कप 2017, 2018, यूएई का टूर का पहला संस्करण, AFC एशियन कप 2019 में, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 में, तो काफ़ी बार इनको प्रमुख गंतव्य के रूप में भी ये सामने आया है। तो अबू धाबी दुनिया का प्रमुख खेल पर्यटन स्थल के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, वर्ष 2019 का मूर्ति देवी पुरस्कार किसे मिला है। तो ये डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को मिला है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, प्रसिद्ध कवि हैं, समालोचक हैं और साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को उनकी एक रचना आई थी अस्थि और भवति, उनके लिए वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। अस्थि और भवति डॉक्टर तिवारी की आत्मकथा है जो कि विभिन्न सांसारिक स्थानों में ऐतिहासिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक पहलुओं को प्रकट करती है। देखिए मूर्ति देवी पुरस्कार की यहाँ पर बात आई है, तो मूर्ति देवी जो पुरस्कार है वो प्रत्येक वर्ष दिया जाता है और एक विचारशील और अवधारणात्मक रचना के लिए प्रदान किया जाता है जो किसी भी भारतीय भाषा या फिर अंग्रेजी में लिखे गए मानवीय मूल्यों को व्यक्त करता है, रेखांकित करता है या फिर उनको उजागर करता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत माँ सरस्वती की एक प्रतिमा भेंट की जाती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार इस मूर्ति देवी पुरस्कार में प्रदान किया जाता है। तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद को ये 2019 में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही रचनात्मक है, ध्यान से देखना इसको। बार कोड के आविष्कारक जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है उनका नाम आपको बताना है। तो बार कोड जो आप देखते हैं स्टोर वगैरह में, तो किसी आप ओमार शीट अगर वहाँ पर भी देखते हैं, आपकी जो ऑफलाइन एग्जाम होती है उसमें भी आपको बार कोड देखने को मिलता है, तो उसका आविष्कार किसने किया था जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज जे लोरेर, 94 वर्ष की उम्र में अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में स्थित वेंडेल में उनके निवास स्थान पर उनका निधन हो चुका है। लोरेर वर्ष 1970 के दशक की शुरुआत में नॉर्थ कैरोलिना के रिसर्च ट्रायंगल पार्क स्थित IBM में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जब उन्होंने यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यानी कि UPC या बार कोड के विकास को गति दी थी। अब ये एक सर्वव्यापी मुद्रण है जो कि अद्वितीय काली पट्टी के रूप में अपन इसको देखते हैं और 12 अंकों की संख्या से ये बारकोड बना होता है, जो आप खुदरा विक्रेता जो कि जो उत्पाद होते हैं उनके ऊपर भी इनको देखते हैं, उनकी जो कीमत होती है उनको पहचानने में ये बारकोड है वो दुकानदार की मदद करता है, और आमतौर पर परीक्षण करने के दौरान भी इसको स्कैन किया जाता है। तो आप सभी इनसे परिचित हैं। इसका आविष्कार किसने किया था, जॉर्ज लोरेर ने किया था जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पूर्व मंत्री भगवत मोहंती इनका भी निधन हो चुका है, आपको बताना कि ये कहाँ से संबंध रखते थे। तो ये ओडिशा के पूर्व मंत्री थे,
और 92 वर्ष की उम्र में भुवनेश्वर में स्थित इनके आवास स्थान पर इनका निधन हो चुका है। सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि मोहंती राज्य विधानसभा के लिए वर्ष 1971 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में और वर्ष 1985 और वर्ष 1995 में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे। उन्होंने राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया था, तो ये ओडिशा से संबंध रखते थे। नेक्स्ट आपको दे रखा है संयुक्त सैन्य अभ्यास और उस अभ्यास का नाम है आयरन यूनियन 12। ये किन के बीच में होता है ये आपको बताना है। तो देखिए दो ऑप्शन तीन ऑप्शन में तो आपको भारत दे रखा है और एक ऑप्शन अलग दे रखा है, लेकिन इस तरीके का कोई ऑप्शन होता है तो स्टूडेंट्स हमेशा यही सोचता है कि तीन ऑप्शन अगर एक तरीके के दे रखे हैं तो ये ऑप्शन है इन्हीं में से एक होगा। लेकिन देखिए इसका आंसर क्या होगा, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका होगा। संयुक्त अरब अमेरिका राज्य जिसको UAE के नाम से जाना जाता है और अमेरिका की जो थल सेना है उसके बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयरन यूनियन 12 ये शुरू हुआ है। इनक्रेडिबल इंडिया रोड शो ये कहां पर आयोजित हुआ है ये आपको बताना है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर होगा। इनक्रेडिबल यानी कि अतुल्य भारत रोड शो सिंगापुर में आयोजित हुआ है जो कि पर्यटकों के लिए पसंदीदा स्थान के रूप में देश की स्थिति को मजबूत करता है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के द्वारा आयोजित रोड शो भारतीय पर्यटन उद्योग के हितधारकों को अपने सिंगापुर के समकक्षों के साथ में बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में पंजाब और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ में 25 टूर ऑपरेटर और गंतव्य प्रबंधन कंपनियां भी शामिल हैं। तो ये सिंगापुर में इनक्रेडिबल इंडिया रोड शो आयोजित हुआ है। नेक्स्ट आपको दे रखा है चालक रहित वाहनों का 5G तकनीक का परीक्षण है वो कहां पर किया जा रहा है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात में किया जा रहा है, ऑप्शन थर्ड। संयुक्त अरब अमीरात में चालक रहित वाहनों को सड़कों के ऊपर उतारने से पहले इन वाहनों का 5G तकनीक के ऊपर परीक्षण किया जा रहा है। UAE के जो दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है उनके महानिदेशक ने यह कहा है कि वे परिवहन स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 5G नेटवर्क का विस्तार करेंगे। 5G तकनीक इन वाहनों को ट्रैफिक की स्थिति और जो संभावित खतरे हैं उनकी एकदम त्वरित पहचान करने में भी सक्षम करती है। TRA यानी कि दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने 5G नेटवर्क के बेहतर उपयोग के लिए इस रणनीति को लागू करने के लिए परिवहन स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के जो अधिकारी हैं और प्राइवेट सेक्टर के जो संस्था हैं उनके साथ में समन्वय कर रहा है, तो संयुक्त अरब अमीरात इसका परीक्षण किया जा रहा है। नेक्स्ट आपको दे रखा है NBF का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। अच्छा NBF की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन, और इसके अध्यक्ष के रूप में अर्नब गोस्वामी को नियुक्त किया गया जो कि रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक हैं। अपने संचालन मंडल के अध्यक्ष के रूप में NBF ने इनको नियुक्त किया है। न्यूज ब्रॉडकास्टर जो फेडरेशन है वो भारत के 78 से अधिक समाचार चैनल जिनमें 14 भाषाएं शामिल हैं उनकी एक संस्था है और 25 राज्यों के प्रसारकों का ये प्रतिनिधित्व करती है। विषय वस्तु के ऊपर पारदर्शी स्वनियमन लाने के लिए नए स्वनियामक संगठन की घोषणा जनवरी 2020 के अंत तक की जाएगी। तो न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन ने अर्नब गोस्वामी को अपने नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट आपको देखा टोक्यो 2020 और 2022 का जो फुटबॉल विश्व कप होगा उससे प्रतिबंध किसके ऊपर लगाया गया है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा रूस। रूस को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जिसको वाडा के नाम से जानता है उनके द्वारा सभी प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं से 4 वर्ष के लिए इनको प्रतिबंधित कर दिया है। वाडा की जो कार्यकारी समिति है उसने स्विट्जरलैंड के लुसाने में एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें रूस के ऊपर बैन लगाने के ऊपर सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है। ये जो कदम है वो रूस की एंटी डोपिंग एजेंसी, रूस की एंटी डोपिंग एजेंसी का नाम है रूसाडा, उसके द्वारा जनवरी 2019 में जांचकर्ताओं को सौंपे गए प्रयोगशाला आंकड़े में हेरफेर करने के लिए गैर संगत घोषित किए जाने के बाद में ये कदम उठाया है। अब कतर के अंतर्गत जो टोक्यो 2020 में ओलंपिक खेल होंगे, पैरालंपिक खेल होंगे और फुटबॉल का 2022 का विश्व कप होगा, इन जैसी प्रतियोगिताओं में रूस के ध्वज और राष्ट्रगान की अनुमति नहीं होगी। रूसी एथलीट स्वयं को निर्दोष साबित करके तटस्थ ध्वज के तहत ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं, लेकिन रूस के ऊपर फिलहाल टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेल और 2022 का जो फुटबॉल विश्व कप होगा उसे प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है EMRS की अखिल भारतीय खेल प्रतियोगिता कहां पर शुरू हुई है। देखिए EMRS का मतलब होता है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय,
और ये जो खेल प्रतियोगिता है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत शुरू हुई है। मध्य प्रदेश में भोपाल है, वहां पर ये शुरू हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? कमलनाथ हैं। उन्होंने भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में दूसरी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय अखिल भारतीय खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश और जो अन्य राज्य के आदिवासी लोक कलाकार हैं वो इस कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। 20 राज्यों के 284 एकलव्य विद्यालयों के 4,500 खिलाड़ी प्रतियोगिता के दौरान 16 जिलों में अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। तो भोपाल क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मुक्केबाजी के अंतर्गत अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड ताज पुनः है किसने हासिल किया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा एंथोनी जोसुआ। इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रिटेन से संबंध रखते हैं एंथोनी जोसुआ और मेक्सिकन अमेरिकन एंडी रुइज को एक तरफा मुकाबले में हराकर अपना वर्ल्ड हैवीवेट ताज इन्होंने पुनः हासिल किया है। जोसुआ ने सऊदी अरब के अद दिरियाह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपना IBF, WBA और WBO खिताब हासिल किया है। तो एंथोनी जोसुआ क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से 11 दिसंबर 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन ने बात की है। उम्मीद है यहाँ पर आपको कुछ नया ही सीखने को मिला होगा। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।